हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमनजैन। आज हम बात करेंगे थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और इन्होंने बायबैक जो प्रपोज़ल इनका है वो अपलोड किया है BSE की वेबसाइट के ऊपर, तो इसी के बारे में बात करेंगे। और इसका अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 663 के करीब चल रहा है, और जो बायबैक आया है वो लगभग 730 के ऊपर आया है। ये स्मॉल कैप की कंपनी है। थायरोकेयर को तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे, इनके ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी लोगों को ईमेल भी आते होंगे फॉर ब्लड टेस्ट एंड अदर पैकेजेस। जितने भी लैब के टेस्ट होते हैं, लीवर के, डेंगू के, ये सारी चीज़ें करते हैं, और होम डिलीवरी भी इनकी सर्विस अवेलेबल है। तो काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में इनके सेंटर्स हैं, ऑनलाइन भी ये काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आप इनका स्टॉक का देखेंगे, ट्रेंड तो लगभग नरम गरम ही है, ज़्यादा मीन्स फ्लो इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका जो बायबैक अभी ऑफ़र आया है, और इसी के कारण इस स्टॉक में कुछ रैली देखने को मिल सकती है, और यहाँ से 680-700 के करीब ये स्टॉक जा सकता है। तो इसका अगर आप 5 साल का भी चार्ट देखेंगे तो काफ़ी नरम गरम रहा है, लगभग 700-750 के करीब रहता है, फिर 550 के करीब आता है, फिर 700 के करीब आता है। तो यही एक लेवल है, 550 से 750 के बीच में, इस लेवल पर आप ध्यान रखिएगा। नीचे आता है तो उस टाइम आप ले सकते हैं, और स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोअर लेवल्स पर लीजिएगा। फेस वैल्यू इसका 10% का एवरी ईयर ये डिविडेंड दे रही है, लास्ट 2-3 ईयर्स से 100% का, लगभग 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, 3556 का इसका मार्केट कैप है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो 89.19 का सेल्स का टर्नओवर था जून क्वार्टर में, मार्च में 90 का था, और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 25.38 का था नेट प्रॉफिट, पहले 27.66। इसका मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया सके ये कैसे बायबैक करने वाले हैं। तो इनका जो बायबैक होने वाला है वो थ्रू ओपन मार्केट से होगा, ये आपसे नहीं लेंगे, ये डायरेक्ट ओपन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक करने वाले हैं। लगभग 14.97% का बायबैक करने वाले हैं, 63 करोड़ का इनका बायबैक है। तो ये बायबैक 730 के रेट से, इससे ऊपर ये नहीं करेंगे, उसके नीचे ही जो रेट रहने वाला है उस रेट से ये बायबैक करेंगे। लेकिन इनकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 63.96 की है, जो कि यहाँ से बढ़ जाएगी, और लगभग अगर आप देखेंगे तो 15% ग्रोथ हो जाएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, तो इस स्टॉक में कुछ रैली लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो वही एक नज़र आपको रखनी है कि इस स्टॉक में लोअर लेवल्स पे आप लीजिएगा और हायर लेवल्स पे आप बेचेगा। तो यही आज बताना था, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं कि इसका बायबैक आया है तो हमसे भी लेंगे, हमारे पास स्टॉक है, तो ये आपसे नहीं लेंगे, ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से लेंगे, NSE और BSE की वेबसाइट से, ताकि कुछ भी रैली आती है इनकी बाइंग से तो उसके अंदर अगर आपने ले रखा है तो आप निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू।